नाउ चिल्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर एंड इज रिवाइविंग द लास्ट गेम खो खो तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं खो खो जो कि एक गेम है जो कि शायद कहीं खो चुका है तो उसे हम रिवाइव करेंगे हम उसे वापस लेके आएंगे तो चलिए देखते हैं क्या है खो खो द ट्रेडिशनल गेम इनवॉल्व सिंपली टचिंग अ पर्सन एंड रनिंग तो so, ये जो गेम है खो खो इसमें क्या होता है किसी भी पर्सन को टच करना होता है और भागना होता है वाइल द पर्सन टस्ट हैज टू चेज द वन अदर वन डाउन तो जो पर्सन जिसे टच किया गया उसे दूसरे को जो है क्या करना होता है चेज करना होता है दिस गेम डिमांड्स हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस इस गेम में आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और ऊपर से स्पीड भी होनी चाहिए ये जो तीनों फैक्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गेम को खेलने के लिए द गेम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज लाइक डिसिप्लिन स्पोर्ट स्पोर्टेनियनशिप एंड लॉयल्टी अमंग द टीम मेम्बर्स सो ये जो टीम ये जो गेम है ये क्या करता है डेवलप करता है डिसिप्लिन कैसे आपको जो डिसिप्लिन में रहना है कैसे स्पोर्ट्स मैनशिप आपको अपने अंदर डेवलप करनी है और कैसे आपको लॉयल रहना है अपने टीम मेंबर्स के साथ सो so, ये क्या है एक तरीके का टीम गेम है जिसमें आपको जो है अपनी टीम को जीत के दिखाना है द वर्ड खो विच इज एन ऑफ ऑरोमेटोफुई फॉर द साउंड मेड वर प्लेइंग द गेम इज वेयर द नेम ऑरिजिनेट्स इन मराठी सो ये जो वर्ड है खो जब भी हम इस गेम को खेलते हैं तो दूसरा पर्सन जो बैठा है वो ओपोनेंट टीम का उसे हम खो ओपोनेंट टीम है तो वहाँ पे जितने मेंबर्स बैठे हैं सब एक दूसरे को खो बोलते हैं दूसरी टीम के मेंबर्स को पकड़ने के लिए तो ये जो वर्ड है खो ये क्या है ये एक तरीके का साउंड है जो बनाया जाता है जब बोला जाता है गेम को खेलते समय वेयर द नेम ओरिजिनेट्स इन मराठी ये वर्ड जो है मराठी वर्ड से आया है मराठी लैंग्वेज से आया है खो खोरि ओरिजिन इज़ अनसर्टिन ये जो खो खो का ओरिजिन है ये अनसर्टिन है बट इट इज़ बिलीव टू बी मैंशन इन द ए एंशियट इंडियन एपेक ऑफ महाभारत इसका नहीं पता कि खोखो कहाँ से आया है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इसके बारे में खो खो गेम के बारे में पहले एंशेंट इंडिया में जो महाभारत थी उसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली इन द चक्रव्यू इंसिडेंट, चक्रव्यू इंसिडेंट में इसके बारे में बताया गया है नेटिव टू इंडिया खो खो वॉज फर्स्ट प्लेड ऑन चैरियट्स ऐसा कहा जाता है कि ये जो गेम है ये इंडिया का गेम है इंडिया में ही इसकी पैदावार हुई है तो ये जो गेम है ये जो है पहले रथों पे खेला जाता था चैरियट्स मीन्स रथ तो रथों पे खेला जाता था नोन एज रथेरा और इस गेम का नाम पहले रथेरा था एंड ओरिजिनेटेड इन द महाराष्ट्र रीजन और ये गेम महाराष्ट्र रीजन में ही पैदा हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इन 1914, 1914 का जो वर्ल्ड वॉर था इट रिसीव्ड ऑफिशियल रेगुलेशन तो उस समय इसको जो है ऑफिशियली मान्यता प्राप्त कर दी गई द स्पोर्ट डिविटेड एज द बर्लिंग ओलम्पिक्स इन द 1936 और ये जो स्पोर्ट्स है बर्लिन ओलंपिक्स था वहाँ पे इसने अपना डेब्यूट किया वहाँ से स्टार्ट हुआ 1936 में एंड हैज़ सिंस मेड अपेरेंसेज एट द साउथ एशियन गेम्स और इसने जो अपने अपने अपेयरेंसेज हैं वो साउथ एशियन गेम्स में स्टार्ट किया था टू के देर आर करेंटली नेशनल खो खो टीम्स इन अबाउट ट्वेंटी फाइव कंट्रीज तो आप आपको जान के हैरानी होगी कि टोटल मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से जो ट्वेंटी फाइव कंट्रीज हैं आपको उसमें जो है नेशनल खो खो टीम भी मिलेगी इंटरनेशनल खो खो कॉम्पिटिशन्स लाइक द एशियन खो खो चैम्पियनशिप्स आर ऑरिजिनेटेड बाई ऑर्गेनाइजेशनल खो खो कॉम्पिटिशन जो है जैसे कि एशियन खोखो चैम्पियनशिप ये शुरुआत हुई थी इसकी ओरिजिनेटेड लाइक द खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया ये हुई थी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से एंड इंग्लैंड स्प्रेडिंग द स्पोर्ट्स ओवरसीज एंड गेनिंग एक्सेप्टेंस इन टू मेजर इवेंट अचे खेलो इंडिया तो ये जो गेम था इसने अपनी जो है जगह बनाई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया इस गेम को और खेलो इंडिया में भी ये गेम अब आ चुका था अबाउट द प्लेइंग फील्ड तो ये है आपके सामने प्लेइंग फील्ड जहाँ पे ये गेम खेली जाती है द खो खो प्लेइंग फील्ड मेजरिंग ट्वेंटी सेवन मीटर टू सिक्सटीन मीटर दो खो खो का जो फील्ड है वो ट्वेंटी सेवन से सिक्सटीन मीटर्स ब्रेथ में होता है फीचर्स साइड लाइन एन एंड पैलर डिमार्चिंग फ्री जोन्स एट बोथ साइड दोनों ही साइड पे आपको क्या मिलेंगे फ्री जोन्स मिलते हैं आप देख सकते हो ये है आपका फ्री जोन तो दोनों ही साइड आपको फ्री जोन्स मिलते हैं टू पोल्स आर प्लांटेड वर्टिकली एट द इनर एज दो पोल्स को जो है प्लांट किया जाता है वर्टिकली अंदर की तरफ ऑफ ट्रू फ्री जोन्स विथ अ स्मॉल लेन जॉइनिंग डैम जिसको जो है एक छोटी सी लेन जो है जॉइन करती है द एरिया इज फर्दर डिडेड बाई एट क्रॉस लेन और ये जो एरिया है अब इसे एट क्रॉस लेन से डिवाइड किया जाता है आप देख सकते हो ये जो है क्या है ये जो है क्रॉस लेंस हैं तो ये क्रॉस लेंस इसे डिवाइड करती हैं ईच थर्टी फाइव सेंटीमीटर वाइड और हर एक लेन थर्टी फाइव सेंटीमीटर वाइड होती है अब खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ नाइन प्लेयर्स ये जो खो खो टीम है इसमें टोटल नाइन प्लेयर्स होते हैं विथ ट्वेल्व रिमेनिंग प्लेयर्स हु कैन बी सब्सिट्यूटेड इसके अलावा जो है ट्वेल्व बाकी पे प्लेयर्स होते हैं जो इनकी जगह पे इंकआउट होने पे सब्सिट्यूट कर दिए जाते हैं सो दिस इज योर खो खो फील्ड मैन एंड विमेन बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर एंड जूनियर कोट तो आप देख सकते हो कैसे ये कोट बनाया जाता है एंड वॉट ऑल मेजरमेंट आर देयर यू कैन सी इट नाउ चुडन लेट्स लर्न द रूल्स टू प्ले खो खो क्या क्या रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है खो खो खेलते समय अ खो खो मैच अ कॉइन टॉस तो ये जो खो खो मैच है ये कॉइन टॉस से स्टार्ट होता है विथ द विनिंग कैप्टन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंट्रल लाइन जो विनिंग कैप्टन है वो सेंट्रल लाइन की तरफ पॉइंट करता है द चेजिंग टीम टेक्स द फील्ड विथ एट प्लेयर्स सिटिंग और जो चेजिंग टीम है वो क्या करती है उसमें एट प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं द डिफेंडिंग टीम सेंस द थ्री डिफेंडर्स एंड द चेजिंग चेजर अटेम्प टू टैग वन अब जो डिफेंडिंग टीम है वो क्या करती है तीन डिफेंडर्स को भेजती है एंड द तो चेजर अटैम्प टू वन और जो चेजर है वो क्या करता है उन तीनों में से एक को पकड़ने की कोशिश करता है खोज आर गिवेन वेन द डिफेंडर क्रॉस ओवर खो तब दिया जाता है दूसरे बच्चे को या दूसरे पर्सन को जब वो ओपोनेंट हमारे से या डिफेंडर हमसे दूर होता है पॉइंट आर अवॉर्डेड वेन आर डिफेंडर इज टर्स बाई अ चेजर जैसे ही डिफेंडर चेजर को पकड़ लेता है जब भी डिफेंडर जब टच हो जाता है चेजर से तो पॉइंट्स अलॉट कर दिए जाते हैं वायलेशन रूल्स इन येलो एंड रेड कार्ड्स अगर रूल्स को तोड़ा जाता है तो येलो और रेड कार्ड्स दिखाए जाते हैं विथ टू येलो कार्ड्स कॉजिंग प्लेयर्स सस्पेंशन अगर किसी टीम को किसी प्लेयर को दो येलो कार्ड्स मिल जाते हैं इसका मतलब वो प्लेयर सस्पेंड हो जाता है उसकी जगह कोई और प्लेयर खेलेगा तो आप देख सकते हो ऐसे ही लाइन में बैठ के क्या होता है ऑपोजिट साइड फेस करना होता है और खो खो में बैठना होता है और जो अपोनेंट टीम है उसमें से तीन मेंबर्स क्या करते हैं भागते हैं और जो है ये पर्सन जो है अपने जिस तरफ उसका फेस है उसके आ, आ, मतलब उसके जहाँ जिसका बैक है उसकी तरफ उसको खो देता है सो so, ऐसे ही खो खो का गेम खेला जाता है इंडियन खो खो प्लेयर्स अब कौन कौन से इंडियन खो खो प्लेयर्स है खो खो टीम कैप्टन सो सारिका काले है फर्स्ट पिक्चर उनकी और ये क्या है इंडियन विमेन खो खो टीम की कैप्टन है इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला था ट्वेल्थ साउथ एशियन गेम्स में Overcoming job struggles in 2016 and focusing on corporate involvement, जिसके बाद इन्हें job struggles का सामना करना पड़ा 2016 में और इन्होंने फिर corporate involvement में focus किया. Next है पंकज मधोत्रा, an Indian hockey player led the Jammu Kashmir state hockey team in 2018. तो इन्होंने क्या किया? जो जम्मू कश्मीर स्टेट खो खो टीम थी उसको जो उसको जो है लीड किया था 2018 में इंडिया नेपाल खो खो फाइव मैच सीरीज इंडिया और नेपाल की जो पांच मैच सीरीज थी उसमें इन्होंने लीड किया जिसमें इन्होंने रिसीव की थी कोचिंग फ्रॉम अजय गुप्ता एंड धीरज शर्मा जिसमें अजय गुप्ता और धीरज शर्मा ने इन्हें कोचिंग दी थी नेक्स्ट है मंदाकिनी माझी सो so ये है मंदाकिनी माझी एंड ओडिशा खो खो प्लेयर ये ओडिशा से हैं ये खो खो प्लेयर हैज ओवरकम ऑबस्टेकल्स एंड अचीव्ड सक्सेस इन वेरियस चैम्पियनशिप्स इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा लेकिन बाद में इन्होंने सक्सेस इन्हें मिली और ये बहुत सारे चैम्पियनशिप्स में भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया बिकमिंग द फर्स्ट ओडिया गर्ल टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन खो खो टीम इन टू थाउजेंड सिक्सटीन ये पहली ओडिया गर्ल थी मीन्स पहली गर्ल थी जो ओडिशा से थी जिन्हें जो है इंडियन खो खो टीम में शामिल किया गया था टू थाउजेंड सिक्सटीन में सो so नाओ चलें लेट्स मूव टू डि यू नो खो खो इज़ नॉट जस्ट अ गेम ये सिर्फ एक गेम नहीं है इट इज़ द टेस्ट ऑफ स्पीड एजिलिटी एंड टीम वर्क ये जो है टेस्ट है स्पीड का एजिलिटी और टीम वर्क का वेयर द थ्रिल ऑफ द चेस इज एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइफ चैलेंजेस जहाँ पे क्या होता है हर जगह हर मोड़ पे आपको थ्रिल मिलेगा दूसरे पर्सन को चेस करने का मौका मिलेगा और यही है हमारे लाइफ के चैलेंजेस